है तो लेट्स सी कैसे रहता है। आई शो यू इट्स रेनिंग गाइस। आई एम सो सॉरी। पीछे नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हमें क्रॉस करनी पड़ती है और ये हमारी प्लेस थी जहाँ पे हम रुके थे। ये हमारी सुंदर सी डल लेक। ओह गॉड, कश्मीर इतना प्यारा है कि मुंह से निकल जाता है। वी हैव रीच्ड टू पहलगाम और अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे हम। मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ, रफ रूम टूर। तो दिस इज आवर रूम, ये प्रिटी डिसेंट। एनीवे इसका व्यू अच्छा है यहाँ से, यू कैन सी। So close to nature, my God. Yeah. ये बेड, ये दूसरा बेड है हमारा कि मैं कजिन्स के साथ आई हूँ अपनी। मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा और ऊपर हो सकता था बट एनी वेज हमें एक ही दिन स्टे करना है अभी यहाँ पर। आई कैन मैनेज। ओ माई गॉड, ट्रैफिक में स्टक थे पर फोटो सेशन नहीं रोका हमने। ये जो नीचे आप रिवर देख रहे हैं ना, ये रिवर पाकिस्तान से कनेक्ट होती है। बहुत सुंदर है यहाँ का। आगे नहीं जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, लाइक बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको व्यू दिखा। कश्मीर की अपनी ही एक अलग ब्यूटी है, नो डाउट। बहुत मुश्किल हुई यहाँ पर, बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक था। पहलगाम में ही थोड़ी ऊपर जाते हैं, हमें ये ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है, इतना प्यारा व्यू, खाली जगह। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। जोर से पकड़ रहा है, दोनों हैं पूरा। यहाँ तक कैसे पहुँचना ये मैं आपको बता देती। पहलगाँव की स्टार्टिंग में ही बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं, उनके पास पैकेजेस होते हैं यहाँ तक इसे ऊपर ले जाने के लिए। मेरे हाथ में टिकट्स हैं।